हीथ्रो एयरपोर्ट पर पीआईए के तैयारे से हीरोइन बरामद हुई। बदनामी नेशनल क्राइम एजेंसी का दावा। तैयारे की कैबिन तोड़कर चार घंटे तक तलाशी। अमले के 13 अराकीन को कई घंटे हिरासत में रखा। होटल जाने की मशरूत इजाजत दी गई। फ्लाइट को नए अमले के साथ लाहौर लाना पड़ा। कौमी एयरलाइन का मामला सिफारती सतह पर उठाने का फैसला। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हठधर्मी बरकरार। हड़ताल 8वें दिन भी जारी। सामान की 70% तरसील रुक गई। हड़ताल की वजह से कराची पोर्ट पर 50,000 से ज्यादा कंटेनर जमा। रात तक गुंजाइश खत्म हो जाएगी। पोर्ट पर यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। कराची बंदरगाह से जहाज वापस जाने लगे। जुबैर मोतीवाला कहते हैं, आज से पहले कभी जहाज वापस नहीं गए, ये मुल्क की बदनामी है। जावेद बलवानी कहते हैं, 900 सनतों के मालिकान ने चाबियां जमा करा दी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। रोजाना 214 अरब का नुकसान हो रहा है। सिंध असेंबली में भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की बाजगश। वजीर ट्रांसपोर्ट नासिर हुसैन का बंदरगाह पर कंटेनर्स की गुंजाइश खत्म होने का एतराफ। कहते हैं, हड़ताल का मामला जल्द हल करने की कोशिशें कर रहे हैं। सीनियर वजीर निसार खोड़ो का कहना है, मामला अदालत में है, तबसरा नहीं किया जा सकता, अदालती अहकाम पर अमल होगा। पनामा केस जायटी का वजीर आजम और उनके बच्चों के बयान का जायजा लेने का फैसला। कौमी असम्बली से वजीर आजम की पनामा से मुतालिक तकरीर का मतन मांग लिया। हुसैन नवाज और मरियम नवाज के बयान से मुतालिक रिकॉर्ड भी तलब। वजारत इत्तला'आत वजीर आजम के बच्चों के टॉक शोज में दिए गए बयान का रिकॉर्ड फराहम करें। इश्तियाल अंगेज तकरीर और मीडिया हाउसेस पर हमले का केस। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रेंजर्स को फारूक सत्तार और दीगर मफरूर मुलजिमों की गिरफ्तारी का टास्क सौंप दिया। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनियर फारूक सत्तार और सीनियर डिप्टी कन्वीनियर आमिर खान के वारंट भिजवा दिए। मुलजिमों को गिरफ्तार करके 31 मई को पेश करने का हुक्म। में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग, सूबे के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। वजीर आला मुराद अली शाह की दुहाई, बोले अदायगियों के बावजूद बिजली नहीं दी जा रही, वाजिबात की अदायगी के सबूत मौजूद हैं। सिंध असेंबली में लोड शेडिंग के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद तहरीक इंसाफ के रुकन ने पेश की। तशद्दुद का शिकार बच्ची तैयबा के वालिदैन और मुलजिमों में सुलह नामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। राजा खुर्रम अली और अहलिया माहीन जफर पर फर्दे जुर्म आई। मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने 8 गवाहों को तलब कर लिया। समाअत 19 मई तक मुलतवी। पाकिस्तान ने बरामदात बढ़ाने के लिए अलीबाबा ग्रुप के साथ एमओयू पर दस्तखत कर दिए। वजीर आजम का टिंगजू में अलीबाबा ग्रुप के दफ्तर का दौरा। कहते हैं, पाकिस्तान में ई कॉमर्स के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ वन बेल्ट वन रोड फोरम में शिरकत के बाद हांगकांग पहुंच गए। सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। आसिफ जरदारी की APS के शहदा के बुरासा से मुलाकात। साबिक सदर आबदीदा हो गए। आसिफ जरदारी खुर्शीद शाह और कमर जमान कायना की गुलाम अहमद बलोर के जोहराने में भी शिरकत। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरहूम बशीर बलोर के लिए फातिहानी भी की। साबिक सदर कहते हैं, धरती माँ के साथ मैच एक दिन का नहीं जिंदगी भर का है। गुजरावाला में तशद्दुद का इंसानियत सोज वाकया। कत्ल होने वाले शख्स के रिश्तेदारों का मुबैना कातिल पर बदतरीन तशद्दुद। सरेआम घुसे और लातें बरसाते रहे। मकतूल चौधरी एहसान का गुलाम मीरा से जमीन का तनाजा चल रहा था। तशद्दुद सारे जमाने ने देखा, पुलिस ने लाइलमी का इजहार कर दिया। लाहौर में सरकारी स्कूल की खुदाई के दौरान मुखिया दौर की सुरंग दरिया। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल में इजाफी कमरों की बुनियादों के लिए खुदाई की गई। खुदाई के दौरान मेहराबे और सुरंग दरियाफ्त हुई।
लाहौर में मॉल रोड पर असातज़ा हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। जुनाजी टीचर्स काउंसिल पंजाब के अराकीन असातज़ा का अपने स्किल्स की अपग्रेडेशन का मुतालबा। एहतजाज के बायस मॉल रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया। अमरीका ने उसामा बिन लादेन की मुखबरी करने वाले डॉक्टर शकील आफरीदी की रिहाई के लिए कोशिशें तेज कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी हुकाम शकील आफरीदी के मामले पर पाकिस्तान से राबते में हैं। मैकमास्टर ने इसाद डार से शकील आफरीदी की रिहाई का मामला उठाया था। ट्रंप ने रूसी वजीर खारजा को इंतहाई खुफिया मालूमात दी। वॉशिंगटन पोस्ट के दावे ने हलचल मचा दी। रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया मालूमात में दाइश से मुतालिक मदद देने वाले जरिए की शनाख्त भी जाहिर की गई। खबर पर ट्रंप के खिलाफ तनकीद का तूफान खड़ा हो गया। मुआखजे के मुतालबात होने लगे। अमरीकी सदर और रूस ने खबर की तरदीद कर दी। हैकर्स की डिज्नीलैंड इंतजामिया को धमकी। तावान ना दिया तो नई फिल्म पायरेट्स ऑफ कैरेबियन नाइट्स को ऑनलाइन रिलीज कर देंगे। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन नाइट्स 5 की नई फिल्म सी जजमेंट टेल नो टेल्स 24 मई को रिलीज होनी है। पाकिस्तान में सजेगा कल से रेसलिंग का मेला। मुख्तलिफ मुल्कों के 20 रेसलर्स कराची पहुंच गए। आलमी सितारों में 4 खवातीन भी शामिल। मुकाबले कल शाम के MC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होंगे।